नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 2.5 mm 3 कोर आर्मर्ड केबल में ग्लैंड कैसे भरा जाता है। आज के इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, जो डीबी में वहां पर इस तरह का ग्लैंड कैसे भरा जाएगा। आज इसी वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कैसे बनाया जाता है। चलिए आपको वीडियो देरी नहीं करते हुए आपको बताते हैं किस तरह से ग्लैंड भरा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर केबल कुछ इस तरह से छीला जाएगा, जो अंदर आर्मर्ड है उसको निकालने के लिए। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आर्मर्ड को निकाला जा रहा है कुछ इस तरह का। पहले चाकू से इसको सेव दिया गया कटिंग का। कटिंग होने के बाद यहाँ पर आर्मर्ड कुछ इस तरह का निकल गया। अब आर्मर्ड को हम केबल अलग करेंगे। आर्मर्ड कुछ इस तरह का निकालने के बाद अब जो ग्लैंड होता है, ग्लैंड हम इसको कुछ इस तरह का अंदर डालेंगे। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हम साइज ले लेंगे कहाँ पर मेरा ग्लैंड आएगा, उसी हिसाब से फिर हम ग्लैंड भरने के लिए कुछ इस तरह का छोटा सा और छिलेंगे पीवीसी को। उस पर छिलने के बाद अब इसमें हम ग्लैंड जो बचता है उसका हम चाबी डालेंगे, ये वाला सा। इसका क्या नाम है दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर करिएगा इसका क्या नाम होता है। इसको ग्लैंड को उसी तरह से फिट किया गया है। अब फिटिंग करने के बाद हम इसको बढ़िया से घुमाकर ठोक कर इसको हम पहले से बैठा लेंगे। बैठाने के बाद इसको एक एक आर्मर्ड हम लेकर इसी के ऊपर साइज के हिसाब से मोड़ेंगे चारों तरफ। इसके बाद कुछ इस तरह का मोड़ा जा रहा है आर्मर्ड ग्लैंड के ऊपर। दोस्तों जितना आर्मर्ड है इसको हम चारों तरफ मोड़ लेंगे और बढ़िया से इसको बैठा लेंगे, ताकि दोस्तों इसका रिंग बहुत ही आसान तरीके से बैठ जाए। दोस्तों यह थ्री फेज का डीबी है। नीचे दोस्तों इमरजेंसी का हमें ग्लैंड भर रहा है। दोस्तों डीबी है, इसका हम नीचे इमरजेंसी का ग्लैंड भर रहे हैं। ऊपर वाला दोस्तों ग्लैंड भरा गया है पहले से। तो बढ़िया से ठोकने के बाद जो आर्मर्ड एक्स्ट्रा था उसको हम काट लेंगे। एक बार अब इसका हम रिंग डालेंगे बढ़िया से, इसको चढ़ाकर इसी के ऊपर हमको यह फिटिंग करना है। दोस्तों रिंग को पहनाने के बाद पहन लिया, अब इसके बाद इसका हम चकनट जो होता है नीचे वो हम डालेंगे। इसको हम भी इसको बढ़िया से एकदम जितना जान हो सकता है उतना इसको हम टाइट करेंगे। वार्सल दोस्तों ऊपर ही रहेगा इसका। अब डीबी में हम दोस्तों यहाँ पर डालेंगे इसको। डीबी में दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह का डाल दिए हैं, इसको हम अब नीचे से जो चक नट होता है नीचे फंसाने के लिए वह डालेंगे नीचे। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मैं चक नट नीचे से बढ़िया से इसको डाल दे रहा हूँ और फंसा दे रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं चकनट को कुछ इस तरह से पहराया जा रहा है। दोस्तों कुछ इस तरीके का ग्लैंड भरा जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके का इम्पॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे।